नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भूगोल क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका शाखाएं क्या हैं और हम इसे क्यों पढ़ें और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको फ़ायदा होगा और आपके एक बेस्ट अच्छे से पढ़ने का तरीका आपको पता चलेगा। दोस्तों, आज हम इस स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भूगोल यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी गोल, ठीक है ना, पृथ्वी गोल है। इससे हमें उतनी क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो हम सबसे पहले इसके इंग्लिश वर्ड पे जाएं तो देखें तो ये जियोग्राफी से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन या अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। तो मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। तो दोस्तों, अगर इसे स्टैंडर्ड भाषा में बात कहें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न संरचना और विभागों का अध्ययन ही भूगोल है। दोस्तों, विभाग का तात्पर्य क्या है, विभाग मतलब महाद्वीप, महाद्वीप हैं जो हमारे सातों महाद्वीप और छोटे छोटे द्वीप हैं, महाद्वीप, सागर, छोटे बड़े सागर, और यहाँ पे पर्वत, पहाड़, नदियाँ और फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। दोस्तों, आपने एक महान ज्योग्राफर स्ट्रेबो का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक बेहतरीन परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जो लोगों को विश्व का और उसके स्थल, सागर और आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों के अध्ययन और जीव जंतुओं और वनस्पतियों और पृथ्वी पर अन्य वस्तुओं का अध्ययन लोगों को कराता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन उन्होंने दिया था। और दोस्तों, इसकी बात करें इतिहास की, तो इसका इतिहास आप जानते हैं कि बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से पहले हम ब्रह्मांड, अपने आकाशगंगा की बात करें तो सबसे पहले बिग बैंग की घटना के बाद हमारी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी शामिल थी। दोस्तों, बिग बैंग की घटना के बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है, फिर उसके बाद हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद पहले आप जानते होंगे कि पूरे जो इस पृथ्वी पे सारे द्वीप एक जगह थे और महासागर एक था और सारे द्वीप एक जगह थे। फिर ये करोड़ों वर्ष पहले दोस्तों ये धीरे धीरे अलग हो गया पृथ्वी से, मतलब ये आपस में प्लेटों से मिलके बने थे, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो हमारी, आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड, धारवाड़, ये सब चीज़ें, गोंडवाना हमारी उसी समय की भूमि है, और ये हिमालय जो आज हम देखते हैं ये हमारी प्लेटों के टकराहट के बाद इसका उद्भव हुआ है। तो दोस्तों, इसी हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसका इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, और हम बात करें इसकी शाखा का, इसकी शाखा की बात करें तो दोस्तों इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, मानव या इसी को राजनीतिक भूगोल भी कह सकते हैं, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और रचनात्मक भूगोल और गणितीय भूगोल भारतीय भूगोल और दोस्तों बहुत सारी भूगोल हैं, लेकिन हम
मुख्य मुख्य जो हमारी परीक्षा के लिए और हमें जानने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो कुछ ये भौतिक भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल और कुछ हद तक गणितीय भूगोल भी हमें थोड़ा हेल्प करता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें कि भौतिक भूगोल क्या है। दोस्तों, भौतिक भूगोल जो पृथ्वी की प्राकृतिक जो हमें दिखाई देता है, पृथ्वी को हम ऊपर से जो देखते हैं, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो एक वर्ड में बोलें तो पृथ्वी की संरचना एवं विभाग विभाग हम आपको बता चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि विभाग में पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब चीज़ें आती हैं। और मानव भूगोल में बात करें, राजनैतिक इसे कहते हैं, इसमें हम देशों का अध्ययन करते हैं, देशों का, उसकी बाउंड्री यानी कि सीमा का, वहाँ की सरकार, राजनीति और वहाँ की जनसंख्या और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे और जनगणना का भी इसी में जिक्र किया जाता है। हमारे सामान्य भूगोल में जनगणना वगैरह सब हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में दोस्तों देखेंगे जो हमारी आर्थिक भूगोल में दोस्तों जो हमें आय आय जनरेट करे, जो हमारे लिए आय जनरेट करे, तो दोस्तों उसमें उसको हम 3 भागों में विभाजित करें तो आप पढ़ेंगे, जब वो इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो उसमें प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है। प्रारंभिक भूगोल में आपकी प्राकृतिक प्रकृति से जो संबंधित होती हैं वस्तुएं, वो आती हैं, जैसे कृषि कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, वन हो गया, खनन हो गया, इन सब चीज़ें जो प्रकृति से हमें प्रकृति से सीधे मिलती हैं। और द्वितीयक में दोस्तों विनिर्माण आता है, उद्योग आता है जो इस पे निर्भर हो, जो प्राकृतिक वस्तुओं पे निर्भर हो, यानी कि इसमें विनिर्माण होता है, ठीक है। जैसे वनों से कुर्सियाँ, फर्नीचर वगैरह बनना, और खनन, इस्पात, लोहे से मोटर गाड़ियाँ और वाहनों का निर्माण होना पड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। कारखाने आप देखते हैं, बहुत बड़े 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 इंजीनियर, यहाँ क्या होते हैं, निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, तो ये द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक में दोस्तों सेवा से संबंधित होता है, ये सेवा सेवा क्या होता है दोस्तों, सेवा में जैसे जो इन दोनों से रिलेटेड हो, जो इन दोनों की हेल्प करती हो, जैसे जो है कि यहाँ से अनाज पैदा हुआ, अनाज को परिवहन द्वारा उद्योग तक ले जाया गया, इससे बनी हुई मटेरियल को बाजार तक लाया गया, तो ये जो परिवहन वाला है ये क्या हो गया, सेवा सेक्टर हो गया। हम एजुकेशन व्यवस्था देखते हैं, सेवा सेक्टर है, बैंकिंग देखते हैं, सेवा सेक्टर है, तो इनसे सेवा सेक्टर आता है। ऐतिहासिक भूगोल में देखें दोस्तों तो इसका नाम से क्लियर चल रहा है कि ऐतिहासिक भूगोल जो हमारे इतिहास को बताता होगा, जो मतलब प्राचीन काल को बताता है, मध्यकालीन, आधुनिक भूगोल दोस्तों प्राचीन काल, हम इसमें हम वर्ल्ड वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेसोपोटामिया, चीन चीन और प्लेटो वगैरह, इसी इसी प्लेटोवाद जो महान विद्वान थे, सब इन्हीं प्राचीन काल से रिलेटेड हैं। और मध्यकालीन में पुनर्जागरण वाली जो हम यूरोप में सुनते हैं वो यहाँ से आती है। और आधुनिक में जो उपनिवेशवाद होता है, उपनिवेश और उपनिवेशवाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब यहाँ से संबंधित है। और अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्राचीन में हमारी हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, गुप्त, और मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत और मुगल, आधुनिक में हमारी स्वतंत्रता संघर्ष, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। रचनात्मक में दोस्तों आप भीड़ भरे एरिया में या मेले इत्यादि में देखते हैं तो वहाँ पे मैपिंग की व्यवस्था होती है, तो वो रचनात्मक होता है। और गणितीय भूगोल में बात करें तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित होता है, जो विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों, अगर हम साइंस में पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक प्रकाश वर्ष मिलता है, तो ये दूरियाँ कैसे नापी जाती हैं, वो गणितीय भूगोल द्वारा ये उससे रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों ये और भी बहुत सारी शाखाएँ जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं उतनी हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें, ये इसकी शाखाएँ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हम इसे क्यों पढ़ें, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही
रोमांचक और दिलचस्प बात है कि हम भूगोल क्यों पढ़ें। भूगोल क्यों पढ़ें दोस्त? एक हम आम इंसान होने के नाते हमें भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर को हमें जानना चाहिए। और एक स्टूडेंट के नाते हमें और ही दिलचस्प हो जाता है कि इन चीज़ों को हम जानें, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हमारे ये जो वायुमंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल, ये कैसे बना, कैसे निर्माण होगा। इन सब चीज़ों को हमारी परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पर पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, इसके लिए हम कुछ तरीकों को बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आजकल कोचिंग और स्कूलों में मैपिंग पर जोर नहीं दिया जाता, जबकि भूगोल क्या है, सारी भूगोल आप बिना कुछ लिखे आप मैप से समझ सकते हैं। सिर्फ आपके पास मैप है, आपके माइंड में मैप है, तो आप सब समझ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी बहुत अगर आप लिखते हैं तो आपको रिविज़न के लिए हेल्प होता है, लेकिन आप बहुत मोटी मोटी पोथा बना देते हैं तो उसका कोई काम नहीं होता है, हमें देख के बोरिंग महसूस होता है। तो दोस्तों, आप मैपिंग से सब कुछ सीख सकते हैं। ये जितनी शाखाएँ थी, आप कुछ भी महाद्वीप, महासागर और जलमंडल, जलरक्षित मंडल, रामसर भूमि और जितने जलप्रपात हैं, झील है, सब बहुत आराम से आप मैप से सीख सकते हैं। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप मैप से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं कुछ तरीका जो है उसमें हम दूसरा तरीका बात करें तो मैप आता है दोस्त, मैप। तीसरा तरीका है आपका, आप एटलस ले लें, एटलस। और चौथा तरीका, अगर आप सक्षम है तो ग्लोब ले लें, ये थोड़ा महंगा आता है, ग्लोब ले सकते हैं। और पांचवा दोस्त, आप तीन चार लोगों ग्रुप के साथ, ग्रुप में बना करके उनसे स्टडी कर सकते हैं, तो मतलब ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और बहुत आसानी से हम चर्चा करके आप सीख सकते हैं। आप दोस्त, हम पहले पे क्यों नहीं बोले, अभी पहला हमने नहीं लिखा, जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, माइंड कंसंट्रेट, माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड। जब भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ें तो आप उस पर कंसंट्रेट करें दोस्त। आप जितना इस ग्लोब को, इस मैप को अपने माइंड में बैठा लेंगे, उतना आपके लिए ज्योग्राफी उतनी ही आसान हो जाएगी, बेहद ही आसान है ज्योग्राफी, आप सब कुछ सीख सकते हैं। चाहे कोई कोई अमेरिका का देश हो, पूरे महाद्वीप का देश है, जैसे जैसे देख लीजिए, हमने माइंड में सिर्फ मैपिंग हम कैसे बता देते हैं, उत्तर अमेरिका में सभी देश जैसे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, सान सल्वाडोर, होंडुरास, मतलब ये कैसे माइंड में बैठा लीजिए, पूरा देशों का नाम बता सकते हैं आप, बता सकते हैं कि कौन सी झील कहाँ है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है। तो इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं दोस्त। आप इस तरह की अपनी स्टडी, जहाँ स्टडी करते हैं, इस तरह के मैपिंग या मैपिंग को आप लगा सकते हैं, उसमें लगा लीजिए, शायद आप लगाए भी होंगे। आप इसका यूज कीजिए ना दोस्त, इसका यूज कीजिए, आप इससे आराम से सीख सकते हैं। अब देखिए, इसको देशों का नाम याद करना है, आराम से जान जाइए। एंजल पर्वत कहाँ, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में है, एकदम सीधे यहाँ आ जाइए, एकदम भेज दीजिए। अब पूछिए यूएन का, यूनेप कहाँ है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ केन्या पे है। आप ऐसे थोड़ी सी आराम से देखिए, ये भूलेगा नहीं, ये आप मैपिंग से पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा, लिखेंगे पोथा बनाएंगे तो बोरिंग होता है देख के। आप इस तरह से हमारा माइंड क्या करता है, मेरे माइंड को ये सब चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इन सब का यूज करें और आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए, आप ये तो NCERT है, कक्षा 9 की एक समकालीन भारत आती है, आप इसको ले सकते हैं अपनी, बेहद ही अच्छा। इसमें देखिए आप मैपिंग वगैरह का हर जगह यूज किया गया होता है, देखिए बहुत ही अच्छी बुक है। और आप ये एक 11 की आती है, बहुत ही भूगोल की मूल सिद्धांत, इसमें भी देखिए भरम मैपिंग वगैरह की बहुत ही भरमार इसमें देखिए होता है, देखिए इन सब चीज़ों का यूज किया गया होता है। दोस्तों आप इसको इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। हम इसको हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हम इसको आपकी भलाई के लिए इसको कह रहे हैं, ये सरकारी बुक है आप जानते हैं।
और आप इसका यूज करें। दोस्तों शायद आपकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों हम इस पे एक अलग अलग वीडियो लेके आने वाले हैं। हम जल्दी भौतिक भूगोल और इतिहास इकोनॉमी पॉलिटी का हम एक एक वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्त, अपने दोस्तों के यहाँ इसको शेयर करें ताकि उससे हमसे जुड़ सकें। दोस्तों ये पूरा इस पे एक एक वीडियो सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे वीडियो लेके इसमें डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।